साल 2024 में कब है बसंत पंचमी? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और मां सरस्वती पूजन का महत्व। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ था, इस कारण इस दिन बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही इस दिन से बसंत ऋतु भी आरंभ हो जाता है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने साथ मां लक्ष्मी और विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बसंत पंचमी 2024 तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:41 पर प्रारंभ हो रही है, जो 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 पर सरस्वती पूजन मुहूर्त। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी 2024 महत्व। मां सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन को अबूझ मुहूर्त पर उनकी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करना भी काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन विद्यारम्भ संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करने से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानी बनता है। इसके अलावा मां सरस्वती को संगीत और कला की जननी भी माना जाता है, इसलिए किसी भी संगीत या कला की शिक्षा शुरू करने से पहले हमेशा उनकी पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा अर्चना करें और ओम मैं वाग्देव्यै विजहे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् मंत्र का जप करें। साथ ही सरस्वती पूजा में माता को पीले रंग के ही फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से बच्चों को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा से करियर में भी तरक्की के योग बनेंगे। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करवाने के बाद 11 तुलसी के पत्ते को मिश्री के साथ दें। साथ ही बच्चों की स्टडी टेबल माता सरस्वती का चित्र भी रखवाएं। इसके साथ ही कला से जुड़े लोग जैसे संगीतकार, नृतक, कलाकार आदि माता सरस्वती के साथ अपने क्षेत्र के उपकरणों की भी पूजा करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि माता सरस्वती के चरणों में पीले रंग गुलाल जरूर रखें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।